लिए इनको लैंड नहीं मिल पाई है। बलभूमि हटा भाइयों बहनों, उसके बाद मुझसे लोग पूछते थे शाम को पत्रकार बंधु, कहते थे कि अभी तो केजरीवाल जी आए हैं, केजरीवाल जी ने कहा है कि हम हवा पानी बिजली सब फ्री में दे देंगे। मैंने कहा उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं, उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी हैं, उत्तराखंड के लोग राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं, इसलिए वो किसी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे और अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाएंगे। छोटी मोटी चीजों के चक्कर में आकर वो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के अंदर आप पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, आप पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिलेगा। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया भाई बहनों, वहां आप पार्टी का कोई खाता नहीं खुला, 1% भी जो है वोट नहीं मिला। और इतना ही नहीं, चुनाव के बाद आप पार्टी के जो हमारे वहां के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे, जिनको दावेदार बनाया था कर्नल अजय कोठियाल जी, वह मिलने आए मुझसे। उन्होंने कहा भाई साहब, मैं तो राजनीति के क्षेत्र में यह सोचकर आया था कि कुछ ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, और मैं आप पार्टी में शामिल हो गया जब इनकी बातें सुनकर मैंने। और जब मैं इस पार्टी में रहा तो मैंने इस पार्टी के रंग ढंग देखे, ये तो महा झूठी पार्टी है, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, जो कहते हैं कभी करते ही नहीं है। इसलिए मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, मेरा मन बहुत दुखी है। बोले अन्यथा आप भारतीय जनता पार्टी में मुझे अपने साथ मिला लीजिए, तो मैं सेवा करना चाहता हूं मोदी जी।